ओके सो स्टूडेंट, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक ओवरव्यू बात की थी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की पैथोलॉजी की, ठीक है जी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेरिब्रो वैस्कुलर डिजीजेस। नाम से आप लोगों को क्या पता चलता है, ठीक है। अब आप लोग बच्चे तो नहीं रहे हैं, आपने क्लिनिकल टर्म सुननी है और फिर उसका जो मीनिंग है और जो भी इसकी कॉम्प्लिकेशन वगैरह है वो खुद सोचने की कोशिश करनी है। सेरिब्रो वैस्कुलर डिजीजेस, ठीक है, यानी कि सेरिब्रम की ब्लड वेसल्स को जो पैथोलॉजिकल कंडीशंस इफेक्ट करेंगी वो सेरिब्रो वैस्कुलर डिजीज में आएंगी, ठीक है। तो हम लोगों ने बताना है कि सेरिब्रो वैस्कुलर डिजीज जो है वो कोई भी ऐसे पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं कि जिनके अंदर ब्लड वेसल्स जो कि सप्लाई करती हैं सेरिब्रम को वो इफेक्ट हो रही हैं, ठीक है जी। अब कॉज ऑफ डेथ है, ये लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर कि उनके ब्रेन की तरफ जो है वो ब्लड सप्लाई इफेक्ट हो जाती है और डेथ हो जाती है। अब क्यों इफेक्ट हो जाती है, इसकी जो कॉजेस हैं वो आपको बताती हूँ। एक तो हमारे पास हो सकती है थ्रोम्बो एम्बोलिक या थ्रोम्बोटिक अक्लूजन, ठीक है। थ्रोम्बोटिक अक्लूजन का क्या मतलब है, ये टर्म भी आप ऑलरेडी इससे फेमिलियर हो। ये ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे एक थ्रोम्बस आ गया है, ठीक है। उस थ्रोम्बस ने वेसल की वॉल को नैरो कर दिया है जिससे ब्लड सप्लाई इफेक्ट होगी। या दूसरी बात ये है कि हमारे पास एम्बोलिक अक्लूजन हो सकती है। एम्बोलिक अक्लूजन का क्या मतलब है, यही जो थ्रोम्बस यहाँ पे बना हुआ है ये डिसलॉज हो गया है और इसने वेसल के अंदर घूमना शुरू कर दिया और किसी भी जगह पे, चाहे वो फिर मोस्ट कॉमनली बायफर्केशन का लेवल होता है वहां पे जाके ये लॉज हो गया हुआ है और इसने वेसल वॉल को अक्लूड कर दिया, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, तो ऐसा हो सकता है। या थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन ये है कि वेस्कुलर रप्चर हो गया है। वेसल वॉल जो है ये एक वेसल थी लेकिन यहां पे आके ये फट गई हुई है, सारी जो है वो हैमरेज हो जाएगा और ब्लड सप्लाई आगे जो जा रही थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन ब्रेन के अंदर अगर वेसल रप्चर होती भी है तो आपको पता है कि ब्रेन के अंदर सर्कल ऑफ विलस है, एनास्टोमोसिस है, तो कुछ हद तक ब्रेन की जो सप्लाई होती है वो कुछ टाइम तक मेंटेन रहती है। अब जो वेस्कुलर रैप्चर के कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो डिपेंड करते हैं कि किस वजह से हुई है, सिवियरिटी क्या थी, ड्यूरेशन क्या था, हेमरेज का हीमाटोमा बना है, किस लेवल पे बना है, इन सारी चीजों के ऊपर जो है वो आउटकम डिपेंड करेगा, ठीक है। अब इन तीन चीजों के बाद उसने कहा है कि एक कंडीशन होती है स्ट्रोक। स्ट्रोक अप्लाई होती है इन तीनों क्लिनिकल कंडीशन पे। स्ट्रोक का ये मतलब है, जैसे हम कहते हैं हमारे हार्ट की तरफ अगर ब्लड नहीं जा रहा, ऑक्सीजन नहीं जा रहा, इस्कीमिया होगा और सेल डेथ स्टार्ट हो जाएगी, तो उसको हम कहते हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज कह सकते हैं या MI कह सकते हैं। इसी तरह जब आपके ब्रेन की तरफ ईदर ड्यू टू थ्रोम्बोटिक अक्लूजन, एम्बोलिक अक्लूजन या वेस्कुलर ब्लड सप्लाई, ब्रेन की तरफ हमारे पास ब्लड नहीं जा रहा और जाहिर है ब्लड अगर नहीं जा रहा तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भी नहीं जा रहे हैं और ऑक्सीजन और ग्लूकोज के बगैर आपका ब्रेन नहीं रह सकता, तो उसके अंदर भी ब्रेन के अंदर जो न्यूरोनल सेल डेथ है वो स्टार्ट हो जाएगी और उसको हम स्ट्रोक कहेंगे और स्ट्रोक एक लीडिंग कॉज है डेथ का, ठीक है जी। ये बात हो गई। अब हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट करना है कि जब सेरिब्रो वैस्कुलर डिजीज होता है तो होगा क्या। होगा ये कि हमारे ब्रेन के अंदर, आपको पता है जो हमारा ब्रेन है उसको कंटिन्यूअस ऑक्सीजन की सप्लाई रिक्वायर्ड है, ठीक है। कंटिन्यूअस ऑक्सीजन और ग्लूकोज उसको जरूरत है। इस बात का अंदाजा आप यहां से लगा सकते हो कि ब्रेन का जो वेट है वो सिर्फ 2% है बॉडी का, लेकिन कार्डियक आउटपुट वो 15% जो है वो रिसीव करता है और 20% जो कंजप्शन हो रही है ऑक्सीजन की बॉडी के अंदर, टोटल ऑक्सीजन कंजप्शन में से 20% ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है ब्रेन। अब ब्रेन ऑक्सीजन और ग्लूकोज के बगैर क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि जो ब्रेन के सेल्स होते हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन पर डिपेंड करते हैं, ऑक्सीजन से एनर्जी लेते हैं। बॉडी के बाकी तमाम टिश्यूज के पास अगर ग्लूकोज नहीं भी होता तो वो फैट को एज एन एनर्जी सोर्स यूज करते हैं, लेकिन ब्रेन ऐसा नहीं कर सकता। ये बात आपने याद रखनी है कि बड़ी वेल मेंटेन ऑटो रेगुलेशन होती है और अगर ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल 120/80 है तो अगर 110/70 हो गया है या 100/60 हो गया है तो ब्रेन को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा खासा ऑटो रेगुलेशन के तहत जो ब्लड सप्लाई है ब्रेन की तरफ वो मेंटेन रहती है। आपकी स्किन की तरफ, आपके लिम्स वगैरह की तरफ ब्लड सप्लाई को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है लेकिन ब्रेन की तरफ प्रॉपर ब्लड भेजा जाता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी रीजन हो गई और ऑक्सीजन ब्रेन को नहीं पहुंच पा रहा, ठीक है, ऑक्सीजन डिप्राइड हो गया है, तो ये हो सकता है दो रीजंस में। या तो हमारे पास हो गया है फंक्शनल हाइपोक्सिया, तो हमारे पास जो ब्लड है वो प्रॉपरली ब्रेन को नहीं पहुंचेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगा। फंक्शनल हाइपोक्सिया की दो तीन रीजंस हो सकती हैं। पहली रीजन हमारे पास ये है कि पेशेंट चला गया जी बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड पे जहां पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का डिस्टर्ब है और प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। या दूसरी बात ये है कि ऑक्सीजन तो मिल रही है लेकिन उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो ही इम्पेयर्ड हुई हुई है और ऑक्सीजन कैरी कौन करता है, हीमोग्लोबिन, और अगर हीमोग्लोबिन जो है वो है ही कम इधर ड्यू टू एनीमिया या सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया, तो इन सारी कंडीशंस में भी फंक्शनल हाइपोक्सिया हो सकता है। या थर्ड रीजन ये है कि कुछ ऐसे टॉक्सिन्स चले गए हैं बॉडी में जिन्होंने जाके हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को डिस्प्लेस किया हुआ है और खुद उसकी जगह अटैच हुए हैं, जैसे कि साइनाइड पॉइजनिंग में
या कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में ऐसा ही होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड जाके हीमोग्लोबिन को डिस्प्लेस करा देते हैं, ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करा देते हैं और खुद हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाते हैं। तो अब आप लोग मेरी बातों से बोर तो नहीं हो रहे हो, हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि ब्रेन जो है वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट है। बॉडी में अगर ब्लड कम है भी तो भी ब्रेन को प्रॉपर सप्लाई मिलती है, ऑटो रेगुलेशन होती है, लेकिन कुछ कंडीशंस में ब्रेन में भी हाइपोक्सिया डेवलप हो सकता है। एक रीजन है फंक्शनल हाइपोक्सिया, आप हाई ऑल्टीट्यूड पे हो, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आपकी कम है या कोई आपको पॉइजनिंग हुई हुई है, तो इन कंडीशन में ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है। और दूसरी रीजन है कि अगर ऑक्सीजन काफी देर के लिए नहीं मिली और इस्कीमिया स्टार्ट हो गया, इस्कीमिया का मतलब है सेल डेथ स्टार्ट हो गई हुई है। सेल डेथ होती है जब हाइपोपरफ्यूजन होती है, यानी ब्लड जो है वो प्रॉपरली आपके ब्रेन की तरफ जाता ही नहीं है। हाइपोपरफ्यूजन या तो ऑक्लूजन की वजह से हो सकती है या फिर हमारे पास हो सकती है हाइपोटेंशन की वजह से, या अगर आपकी बॉडी के अंदर हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया है, तो इन सारी कंडीशंस में ब्लड प्रॉपरली ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा और वहां पे सेल डेथ और इस्कीमिया स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हो? अब क्या आ जाता है इस्कीमिया के अंदर, इसने दो टाइप्स को डिस्कस किया हुआ है। उसने कहा जो इस्कीमिया है ये हमारे पास, इसका मतलब क्या है कि ब्रेन के अंदर न्यूरोनल सेल डेथ स्टार्ट हो गई है, हमें पता है। अब ये हो सकता है दो तरह का, या तो हमारे पास होगा ग्लोबल इस्कीमिया, ग्लोबल इस्कीमिया का मतलब है वाइड स्प्रेड इंजरी होगी पूरे सेरिबेलर हेमिस्फेयर में, या फिर ये होगा फोकल इस्कीमिया, यानी कि किसी एक प्रॉपर जगह पे या प्रॉपर हेमिस्फेयर में या एक पॉइंट पे या एक प्रॉपर लोकेशन में इस्कीमिया हो रहा है, ठीक है, ब्रेन के। अब ये जो ग्लोबल इस्कीमिया है इसके अंदर आपने याद रखना है कि वाइड स्प्रेड इस्कीमिक इंजरी है, ठीक है। क्या है? वाइड स्प्रेड इस्कीमिक इंजरी हो रही है, मैं आपको वर्ड टू वर्ड रॉबिन से ही पढ़ानी हूँ, ठीक है। अब ये तब होती है जब आपका ब्लड प्रेशर जो है या 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से भी नीचे चला जाता है, और इतना ब्लड प्रेशर कब कम जाता है, या तो कार्डियक अरेस्ट है या फिर पेशेंट जो है वो शॉक से सफर कर रहा है, सही है। अब कहते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग जो है पेशेंट की डिपेंड करती हैं कि जो ये उसको इस्कीमिया हुआ है इसकी सिवियरिटी कितनी थी और इसका ड्यूरेशन कितना था, ठीक है। हो सकता है कि ये माइल्ड हो और माइल्ड में पेशेंट जो है वो सर्वाइव कर जाता है, और हो सकता है ये सिवियर हो जिसमें काफी फेटल आउटकम्स होते हैं और इवन डेथ होती है। माइल्ड इस्कीमिया में अगर कुछ टाइम के लिए आया है और पेशेंट फिर फौरन से ब्लड सप्लाई जो है वो मेंटेन हो गई है, तो फिर इसमें क्या होगा कि पेशेंट ना आफ्टर अटैक जो है वो कन्फ्यूजनल स्टेट में चला जाता है, और कुछ टाइम के बाद फिर मतलब अजीब सा वो रिएक्ट करता है, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, समझ नहीं आ रही, सकते में चला जाता है, पहचानता नहीं है। 24 to 48 hours के बाद वो बिल्कुल फिर नॉर्मल हो जाता है अगर वो सर्वाइव कर जाता है इस्कीमिक अटैक को, इधर अगर ये माइल्डर था। लेकिन अगर ये स्वेयर था तो फिर स्वेयर के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा न्यूरोनल डेथ होना शुरू हो जाती है और फिर हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि ब्रेन की डेथ हो गई है, ठीक है। जब ब्रेन की डेथ हो जाती है तो उसको पेशेंट को फिर आपको मैकेनिकल वेंटिलेशन के ऊपर जिंदा रखना पड़ता है, यानी बाहर से आप उसको रेस्पिरेशन करा रहे हो, लेकिन मैकेनिकल वेंटिलेशन में भी कुछ टाइम के बाद स्टार्ट हो जाती है ऑटोलाइसिस ब्रेन की, और जब ब्रेन की ऑटोलाइसिस होती है तो उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटर ब्रेन, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स या कुछ कंडीशंस है जो बहुत आसान है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ी नहीं है, जो इन्होंने यहाँ पे बताई है। नेक्स्ट बात वो बताता है कि जब ये ग्लोबल इस्कीमिया हुआ, वाइड स्प्रेड इंजरी हुई, वाइड स्प्रेड इस्कीमिया हुआ ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट या शॉक, और हमारे पास जो है वो पेशेंट को ब्रेन डेथ होना स्टार्ट हो गई हुई है या इस्कीमिक इंजरी है अगर माइल्डर स्टेट है, तो माइक्रोस्कोपी के लिए पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करेगा। माइक्रोस्कोपी के लिए अगर तो हम उसको ग्रॉसली देखेंगे ना, ग्रॉस अपीयरेंस ब्रेन की देखेंगे, तो ब्रेन वाला जो रीजन होता है वहां पे आपको स्वेलिंग मिलेगी, ठीक है। के बाद जो गायराइज होते हैं वो काफी ज्यादा वाइडेंड हुए हुए होंगे, और जो सरकाइज होते हैं वो काफी ज्यादा नैरो हुए हुए होंगे, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास ग्रे एंड व्हाइट मैटर होता है उनके दरमियान जो डिमार्क